नहीं रहे ट्रेजडी किंग दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, 98 साल की उम्र में हुआ निधन, कई दिनों से थे बीमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें पिछले महीने से ही सांस संबंधी समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं पर 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रखती थी और फैंस से लगातार दुआ करने की अपील भी करती थी। दिलीप कुमार का निधन की खबर से जहां फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है, वहीं सेलेब्स सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के कारण अस्पताल में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया था। उस समय उनके फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ एकत्र हो गया था, जिसको लेकर चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक उसका परीक्षण कर निदान तो कर दिया, पर 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। पिछले साल दिलीप कुमार ने अपने दो छोटे भाइयों असलम खान 88 और एहसान खान 90 वर्ष को कोरोना वायरस से खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। हालांकि सायरा बानो ने बताया था कि दोनों भाइयों के निधन की खबर दिलीप साहब को नहीं दी गई थी। दिलीप कुमार साहब के बारे में बताते चले कि इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि वह पाकिस्तान तब भारत हुआ करता था। उनका पहला नाम यूसुफ खान था। बाद में उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। एक्टर में अपना नाम एक प्रोड्यूसर के कहने पर बदला था, जिसके बाद उन्हें स्क्रीन पर दिलीप कुमार से नाम से लोग जानने लगे। गोपी से सहित तमाम बड़ी फिल्मों में जहां दिलीप कुमार ने अपने अभिनय का परचम लहराया था, वहीं देवदास सहित सौदागर फिल्म में उनकी दमदार अभिनय से फिल्म जगत में खासा मजबूत स्थिति बन चुकी थी। हालांकि अब हमारे बीच दिलीप कुमार नहीं रहे, पर उनकी यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा रहेगी। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ की एक स्पेशल रिपोर्ट।